देवी सती की तपस्या देखने क्यों आए थे ब्रह्मा और विष्णु। कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार जब सती बनी थी तो एक दिन परमपिता ब्रह्मा और देवर्षि नारद प्रजापति दक्ष से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि सती अपने पिता से बातें कर रही हैं और मुस्कुरा रही है। फिर जब सती की नजर ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद पर गई तो उन्होंने उन दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सती से बोले, हे पुत्री, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति के रूप में प्राप्त करोगी। भगवान शिव ही तुम्हारे योग्य हैं, दूसरा कोई नहीं। फिर कुछ दिन रहने के बाद ब्रह्मा जी और नारद अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। युवा अवस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज और मनोहर दिखाई देने लगी। कुछ दिन पश्चात दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में चिंता हुई कि परमपिता ब्रह्मा जी के कहे अनुसार मैं महादेव जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूं। उधर सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की अभिलाषा रखती थी। अंत पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता ने बिना किसी बाधा के उसे तपस्या करने की आज्ञा दे दी। उसके बाद दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना प्रारंभ की। तपस्या के दौरान सती किसी दिन भक्तिपूर्ण गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया करती तो किसी दिन मालपुए और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करती। इसी तरह किसी दिन तिल जौ और चावल से भगवान शिव की पूजा किया करती। इतना ही नहीं, किसी दिन सती रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नवेद चढ़ाकर वह शिव जी की पूजा किया करती थी। इसी तरह भ्राति भाति के फूलों फलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा अर्चना किया करती थी और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। इसी तरह जब सती के तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए तब एक दिन सभी ऋषि भगवान विष्णु और ब्रह्मा सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिपति दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो उस समय सिद्ध अवस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए। फिर सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वह सभी तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश पहुंच गए। उस समय सभी देवताओं के साथ उनकी पत्नियां भी मौजूद थी। कैलाश पहुंचकर सभी देवताओं एवं ऋषियों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद स्तुति समाप्त हुई तो भगवान शिव ने आंखें खोली और जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने सारे के सारे देवताओं और मुनियों से कहा, मैं आप सभी के स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, कृपया करके आप सभी यहाँ आने का कारण बतलाइए। भगवान शिव के इस प्रकार पूछकर भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी बोले, हे देवों के देव महादेव, हम सभी का यहाँ आगमन आपके लिए हुआ है क्योंकि हम आप और विष्णु जी तीनों सारथी हैं, अर्थात सृष्टि चक्र के संचालक। सिद्धि के लिए हम एक दूसरे के सहायक हैं। अगर हम तीनों आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो यह जगत टिक नहीं सकता।
हे देवादि देश, भविष्य में कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होने जा रहे हैं जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों से नष्ट होंगे। जबकि कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ ही मारे जा सकेंगे, अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ में कोई भी असुर ना मारे जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। यदि वे असुर भी आराधित हो आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः हे प्रभु, वास्तव में हम तीनों एक ही कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं, इस अर्थात तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोग की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं, अर्थात कार्य कारण वंश सपत्नी ही भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्वहित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को अपनी पत्नी बना लीजिए। हे देवादिदेश, पूर्व काल में आपने ही कहा था, ब्रह्म मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोग में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम ब्रह्म सृष्टिकर्ता होगे, श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु जगत का पालन करेंगे और आप स्वयं सद्गुण रुद्र रूप होकर संहार करेंगे, जिसके लिए आप एक स्त्री के साथ विवाह करके लोग में उत्तम कार्य की सिद्धि करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामिन, आपका ये आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्रीहरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हो। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए। हे शंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण भल्लवा को ग्रहण करें। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ब्राह्मण और हरि, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो, किंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, मैं भोगों से दूर रहता हूँ। तथा जो सदा अपवित्र और अमंगली वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है, मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहना ही पसंद और आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है, इसलिए मैं सत्य हूं और सत्य कहता हूं, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। तथापि जगत के हित के लिए आप सभी ने जो कुछ कहा उसे मैं करूंगा। तुम्हारे वचन को मानकर अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा, उसे काशी होना चाहिए। पहले वो सुन लो, फिर भगवान शिव बोले, हे देवतागण, जो नूरबाई ने नादिर शाह से भी संबंध बना लिया था।